गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर आज फिर से आपके लिए रीजनिंग का एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, सेशन है IBPS क्लर्क प्री 2019 के लिए, और पजल सिटिंग अरेंजमेंट की सीरीज़ का 32वां सेशन है। 32वां सेशन है। इस सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे? तीन इंपॉर्टेंट सेट्स डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल IBPS क्लर्क प्री लेवल के रहेंगे। अब आप सभी को पता है, समय बचा नहीं बिल्कुल ही। आज शायद 5 हो चुकी है, कल परसों 7 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। 7 दिसंबर को एक शिफ्ट है, मतलब 7 दिसंबर को Day 1 होगा और 8 दिसंबर को Day 2। 2 दिन में आपके सारे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, सारी शिफ्ट्स कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। मोस्ट प्रोबेबली आज आज आप तैयारी करेंगे, कल ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑफ, जिनका 7 तारीख को एग्ज़ाम है वो 6 को इतना तैयारी नहीं कर पाते, थोड़ा स्ट्रेस रहती है, एनजाइटी रहती है, तो बजाय इसके थोड़ा सा रिवाइज करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपके क्लर्क प्री का हमारा फाइनल सेशन रहेगा। मेरी तरफ से तो एटलीस्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये पजल्स का फाइनल सेशन रहेगा। कल ये हमारा फाइनल सेशन है, कल मैं कोई पजल का सेशन क्लर्क प्री के लिए नहीं डालने वाला। इसके बजाय डालूंगा कि पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए रीजनिंग का। कल मैं डालूंगा क्लर्क प्री पेपर, इसका नहीं, मतलब थ्योरी वाला सेशन नहीं रहेगा, पजल्स की सीरीज़ का सेशन नहीं रहेगा। बाकी ये रहेगा कि रीजनिंग का सेशन, जो सेक्शन है वो 20 मिनट में आपको किस ऑर्डर में, किस तरीके से, क्या क्या चीज़ें, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जो बहुत बड़ा डिफरेंस ला देगी। क्योंकि जो काफ़ी समय से एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत बार मुझे ऐसे कमेंट करके बोलते हैं, सर आधे मार्क्स से रह गए, 1 मार्क से रह गए, 1.5 से रह गए, 2 से रह गए। तो ये जो छोटा छोटा, जो छोटा छोटे करेक्शन की ज़रूरत है वो वहाँ पर आप अचीव कर सकते हैं कि आप पेपर कितना स्मार्टली अटेम्प्ट करते हैं, कितना इफेक्टिव तरीके से करते हैं। तो कल उस पर मैं एक वीडियो डालूंगा, रिक्वेस्ट है प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको पहले से वो पॉइंट्स पता हैं तो बहुत अच्छा, पर जिनको नहीं पता है उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो साइड की बातें खूब हो चुकी है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फाइनल सेशन हमारा इस सीरीज़ का, जिसमें ऑलरेडी 31 सेशन में डाल चुका हूँ। बहुत अच्छा लगा सीरीज़ को, आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। काफ़ी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं, टाइमिंग्स भी आई होप काफ़ी स्टूडेंट्स की इम्प्रूव हुई होगी। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले वही रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, जो नए यूज़र्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हिंदी में सवाल देख लेते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए पॉज करके, पॉज करके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ जी, बिल्कुल इसी लेवल के मिलने वाले हैं, 3 मिनट के अंदर अंदर सवाल कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब सेम सवाल इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 3 मिनट का खुद को समय दीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या सवाल है, सवाल देख लेते हैं क्या है। 8 persons राम, अरुण, रमेश, जितेश, अनिल, राज, महेश एंड साहिल आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। ठीक है, तो स्क्वायर टेबल है, जल्दी से बना लेते हैं। ठीक है सर, बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 लोग हैं। 4 of them सिट एट द कॉर्नर, हमें पहले से पता है, स्टैंडर्ड अरेंजमेंट है। बहुत सवाल ऑलरेडी इसके हम सॉल्व कर चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में देख भी चुके हैं। ठीक है, द पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर फेसेस अवे, जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो बाहर की ओर देख रहे हैं, और जो मिडल पे बैठे हैं आर फेसिंग टूवर्ड्स द टेबल। ठीक है सर, अंदर की तरफ देख लेंगे, ठीक, कोई इशू नहीं, और कोई भी वेरिएबल नहीं दिया है बस। ठीक है, बहुत बढ़िया, फिर तो बहुत आसान हो गया। अनिल एंड राज सिट डायगोनली अपोजिट टू इच अदर, तो अभी इसको मत यूज़ करो, स्टार्ट वहाँ से करो जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे, मतलब ये बताए कि कोई कॉर्नर पे बैठा है या कोई अवे फेसिंग है, कोई मिडल या फिर टुवर्ड्स फेसिंग है, वहाँ से स्टार्ट करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। रमेश थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राम, ठीक है, महेश अपोजिट टू साहिल, ठीक है, जितेश सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ राज, ठीक है, हाँ ये आई ना काम की इन्फॉर्मेशन, राज इज फेसिंग अवे फ्रॉम द टेबल, तो अब क्लियर हो चुका है, राज किसी ना किसी कॉर्नर पे बैठेगा, तो राज को मैं इस कॉर्नर पे बिठाता हूँ। अब आप सारे सवाल कर लोगे, इससे जस्ट पहले राज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी तो यूज़ करते हैं। जितेश सेकेंड लेफ्ट ऑफ राज, 1 2 यहाँ पर आ गया आपका जितेश, यहाँ पर क्या आ गया, जितेश आ गया, बहुत बढ़िया। और क्या क्या दे रखा था, राजेश से रिलेटेड और, सॉरी, राज से रिलेटेड और था क्या, स्टार्टिंग वाली इन्फॉर्मेशन, अनिल एंड राज सिट डायगनली अपोजिट टू इच अदर, ये रहा राज, ये रहा आपका अनिल, बहुत बढ़िया। और भी देखते हैं, अरुण इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जितेश, ये यूज कर लो,
अरुण कहाँ है? जितेश से थर्ड लेफ्ट, 1 2 3 यहाँ पर आ गया अरुण, बहुत ही बढ़िया, अरुण भी बिठा दिया। महेश फेसेस टुवर्ड्स टेबल, तो महेश या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा। इसके अलावा महेश के, रमेश इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, अच्छा ये पूरा नहीं लिखा गया, एम नहीं है ये महेश है, सॉरी एम मतलब महेश, इतना तो आप समझ ही के हो गए यार, इतना तो आप अंडरस्टैंड करते ही हो। रमेश इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ महेश, अब रमेश का ये नहीं पता, तो देखो रमेश से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, ये वाली इन्फॉर्मेशन पढ़ लो, रमेश इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राम, राम से थर्ड लेफ्ट है, और राम के लिए कहाँ कहाँ जगह है ये बताओ। देखो राम ना यहाँ बैठेगा ना यहाँ बैठेगा, कारण सर इसका, अरे महेश टुवर्ड्स द टेबल है, टेबल की तरफ देख रहा है, और एक और बात भी है महेश से रिलेटेड कि महेश के अपोजिट साहिल बैठेगा, तो महेश की सेंटर वाली पोजीशन तो होनी चाहिए, उसके सामने वाली पोजीशन भी खाली होनी चाहिए, तो ये नहीं कि महेश को यहाँ बिठा दोगे, यहाँ नहीं बिठा सकते क्योंकि सामने भी खाली होनी चाहिए साहिल के लिए, तो सर महेश यहाँ तो नहीं बैठेगा, या तो यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा तो साहिल यहाँ पर है, हाँ महेश को यहाँ बिठाओगे तो सामने साहिल है, इन दोनों पोजीशन पे आप राम को नहीं बिठा सकते, राम के लिए जगह है या तो ये या फिर ये। सबसे पहले राम को जैसे यहाँ बिठाए, अब इससे थर्ड लेफ्ट, 1 2 3 कौन आ गया? रमेश आ गया। अब सर उसमें प्रॉब्लम ये है कि रमेश महेश का इमीडिएट नेबर होना चाहिए, तो राम को अगर आपने यहाँ बिठाया और रमेश यहाँ पर आ गया तो उसका इमीडिएट नेबर महेश कहाँ आएगा? उसका इमीडिएट नेबर तो राज और जितेश आ जाएंगे, तो राम यहाँ नहीं बैठेगा, राम को यहाँ बिठाइए, थर्ड लेफ्ट 1 2 3 यहाँ पर कौन आ गया? यहाँ रमेश आ गया, अब रमेश का इमीडिएट नेबर महेश है, तो यहाँ पर आप महेश को बिठाओगे और महेश के सामने कौन आ जाएगा? साहिल आ जाएगा, ये आपके अरेंजमेंट बन गई। अब सवाल क्या देख लो, हु सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ जितेश? जितेश से फिफ्थ लेफ्ट, 1 2 3 4 5 महेश आ रहा है सर, ऑप्शन सी महेश। हु इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ राज? राज के फिफ्थ राइट पे, 1 2 3 4 5 साहिल, बिल्कुल साहिल आ रहा है, ऑप्शन सी। इफ द पोजिशन ऑफ अनिल एंड राम आर इंटरचेंज, हु विल नाउ बी अपोजिट टू अनिल? अनिल और राज की पोजीशन इंटरचेंज कर दी जाए तो उसके बाद करना क्या है? नहीं, अनिल और राम की, सॉरी अनिल और राम की कर दी जाए तो अनिल के अपोजिट कौन आ जाएगा? अनिल और राम की, तो अनिल राम की जगह आ जाएगा, तो अनिल के अपोजिट आ जाएगा अरुण, अरुण आ जाएगा, ऑप्शन डी अरुण आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें, सबसे पहले हिंदी में, पॉज करो जल्दी से, फटाफट से पॉज कर दो, 3 मिनट का समय है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया सभी ने, अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स लेंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, 3 मिनट का अटेम्प्ट दो, आई होप आपने भी कर लिया है। अब सवाल देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है, 7 पर्सन, 7 लोग हैं, उनके नाम दिए हुए हैं, बाय कार्स इन डिफरेंट मंथ, ठीक है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 7 ही लोग हैं और 7 ही महीने हैं, और इन 7ों महीनों में ये 7 लोग कार खरीदते हैं, ठीक है, और कोई वेरिएबल नहीं, और नहीं है, बहुत ही बढ़िया, फिर तो ये बहुत आसान हो गया। तो सबसे पहले तो मैं महीने लिख लेता हूँ, ठीक है, मंथ बेस्ड पजल है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, थोड़ा ज़्यादा दिसंबर, आई होप दिसंबर तक दिख रहा हूँ, थोड़ा सा रो को लंबा कर दीजिएगा, हो सकता है 2 केस बनाने पड़ जाए, और वेरिएबल अपने हैं नहीं, तो 1 केस यहाँ पे बना लेना, 1 केस यहाँ बना लेना अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। अब जब भी मंथ का लिखो ना तो आगे इनके महीने भी लिख दिया करो, क्योंकि नहीं सॉरी, आगे इनके दिन भी लिख दिया करो कि महीने में कितने दिन है, क्योंकि उससे रिलेटेड ही रहती है ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपके। अब मंथ बेस्ड पजल के भी आपने इतने सॉल्व कर लिए हैं कि इतना तो आपको भी आइडिया है कि जब भी मंथ से रिलेटेड आए तो आगे उनका दिन लिख लो, क्योंकि दिन से रिलेटेड रहती है इन्फॉर्मेशन। स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यू बॉट अ कार इन द मंथ ऑफ हैविंग 30 डेज बट नॉट इन सेप्टेम्बर, यू ने कार खरीदी कब? 30 दिन वाले महीने में पर सेप्टेम्बर में नहीं, तो 30 दिन वाला एक तो ये आ गया, नीचे नीचे सेप्टेम्बर नहीं है, नीचे नीचे नवंबर आ गया, तो 2 केस यहीं पर बन गए, एक बार यू यहाँ पर, एक बार यू यहाँ पर, ठीक है आगे बढ़ो। 3 पर्सन बॉट कार बिटवीन यू एंड पी, यू और टी के बीच में 3 लोगों ने कार, 1 2 3 यहाँ पर टी आ गया, 1 2 3 यहाँ पर टी आ गया, ठीक है आगे बढ़ो। 2 पर्सन बॉट कार बिटवीन टी एंड क्यू, टी और क्यू के बीच में 2 लोग, 1 2 क्यू आ गया, 1 2 क्यू आ गया, बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। 2 पर्सन बॉट कार बिटवीन पी एंड वी, पी और वी के बीच में 2 लोगों ने कार बॉट की, उससे पहले भी तो है, इतनी जल्दी मत भागो, ये तो पढ़ लो। 3 पर्सन बॉट कार्स बिटवीन क्यू एंड पी, 3 लोगों ने कार खरीदी थी क्यू और पी के बीच में, तो 1 2 3 यहाँ पर पी आ गया, 1 2 3 यहाँ पर क्या आ गया? पी आ गया, बहुत ही बढ़िया।
पी बॉट कार इन वन ऑफ द मंथ्स बिफोर की। अब पी जो है क्यू से पहले है, पी जो है क्यू से पहले है, तो सर केस वन में तो पी क्यू के बाद में, तो केस वन हो गया एलिमिनेट। सेकेंड नंबर केस को देखो, पी क्यू से पहले है क्या? बिल्कुल है सर, तो ठीक है ये केस सेटिस्फाई हो गया, बहुत ही बढ़िया। अब आगे देखें, टू पर्सन बॉट कार्स बिटवीन पी एंड वी, पी और वी के बीच में दो लोगों ने कार, एक दो यहाँ पर वी आ गया। एस बॉट ए कार इन वन ऑफ द मंथ्स आफ्टर वी, एस ने वी के बाद किया, वी के बाद सिर्फ एक ही जगह खाली है दिसंबर, एस को बिठा दीजिए। एक ही पर्सन एक ही महीना अगस्त बचा है और व्यक्ति बचा है आर, ये आपका पूरा का पूरा अरेंजमेंट बन गया। बस सवाल देख लेते हैं, अमंग द फॉलोइंग बॉट कार इन अगस्त, अगस्त में किसने खरीदी? आर ने। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, इनमें से कौन सा ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, मतलब पांच में से चार एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा, जो नहीं कर रहा वो आपका आंसर होगा। टी ठीक है 31 वाले में, आर 31 वाले में, क्यू 31 वाले में, पी 30 वाले में, एस 31 वाले में। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर, पी को छोड़ के बाकी जितने भी लिखे हुए हैं वो 31 डेज वाले मंथ में आते हैं, टी हुआ, आर हुआ, क्यू हुआ, एस हुआ, इन सभी के जो महीने हैं उनमें 31 दिन है। पी का जो महीना है क्या है? जून है, जून में कितने दिन है? 30 है, तो ये अलग है, ऑप्शन डी पी आपका आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी पर्सन बॉट कार बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में कितने लोगों ने कार खरीदी? एक व्यक्ति ने, टी ने, एक इंसान ने खरीदी थी, टी ने, तो ऑप्शन ए वन आ जाएगा। ठीक है फाइनल सेट देखें, चलिए शॉर्ट पजल है, रैंकिंग ऑर्डरिंग की शॉर्ट पजल है, 2 मिनट का समय है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है ले लिया, अब यही सवाल इंग्लिश में देख लेते हैं, 2 मिनट का समय है आप लोगों के पास, पॉज करके अटेम्प्ट कर लो फटाफट से। चलिए देख लेते हैं, पी गेट्स मोर मार्क्स देन क्यू, पी के मार्क्स क्यू से ज्यादा हैं बट लेस देन आर, पर आर से कम है, पी जो है क्यू से तो ज्यादा है पर आर से क्या है? कम है। एस गेट्स लेस मार्क्स देन टी, एस के जो मार्क्स है टी से कम है बट पी से ज्यादा है, पर पी से ज्यादा है, बहुत ही बढ़िया। आर गेट लेस मार्क्स देन एस, आर के जो मार्क्स हैं वो एस से कम है, तो ठीक है इसमें आर के पीछे एस है, आर के पीछे एस है, एस के पीछे टी है, एक मिनट कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी, आर गेट्स लेस मार्क्स देन, यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी, पी गेट्स मोर मार्क्स देन क्यू बट लेस देन आर, बट लेस देन आर, आर से कम, पी के मार्क्स आर से कम है, ठीक है और क्या था? एस गेट्स लेस मार्क्स देन टी, एस गेट्स लेस मार्क्स देन टी ये लिख दिया है बट मोर देन, अच्छा समझ आ गया, ये गलती कर दी थी यहाँ पे, अब सही। एस के किससे? एस के टी से तो कम है पर पी से ज़्यादा है, अब हो गया ना सही, ठीक है। और फाइनल क्या था? आर गेट लेस मार्क्स देन एस, आर के एस से कम है, तो ऐसा आ गया आ गया। अब ये तीनों इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके बना सकते हो क्या कुछ अरेंजमेंट? एक सिंगल बना लो, रो सिंगल बना लो फटाफट से। सबसे आगे क्या दिखाई दे रहा है? सबसे आगे टी दिखाई दे रहा है, फिर एस दिखाई दे रहा है, फिर आर दिखाई दे रहा है, फिर पी दिखाई दे रहा है, तो सबसे आगे टी है, टी के बाद क्या है? एस का नंबर, एस के बाद किसका नंबर है? आर का नंबर, आर के बाद किसका नंबर है? पी का नंबर, पी के बाद किसका नंबर है? क्यू का नंबर, तो बना तो लिया पूरा का पूरा रो। और क्या बोला? आर स्कोर्ड 50 मार्क्स, आर के 50 नंबर है, वाइल टी स्कोर्ड 100 मार्क्स, टी के कितने नंबर है? 100 नंबर है, बस ये पूरी अरेंजमेंट बन गई। अब क्या सवाल है जल्दी से देखो, हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं? येस मार्क्स है टी के, ठीक है सर। हु गेट्स लोएस्ट मार्क्स, सबसे कम मार्क्स कितने हैं किसके हैं? क्यू के, ठीक है सर, ऑप्शन ई क्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्कोर 75 मार्क्स, 75 मार्क्स किसके आ सकते हैं? तो यहाँ दो लिखे हुए ना, टी के 100 बता रखे हैं, आर के 50, 75 किसके बीच में आता है? 75, 100 और 50 के बीच में आता है, तो 100 और 50 वाले जो बंदे हैं टी और आर, इनके बीच में कौन आ रहा है? सर एस आ रहा है, तो इनमें से एस आ जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी एस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट पजल था जो बिल्कुल पूछा जा सकता है, ये बिल्कुल मत सोचना कि ऐसा सवाल नहीं आ सकता, 2 क्वेश्चन इसके मिल सकते हैं आपको क्लर्क प्री पे, बहुत ईजी है, पर मैंने सोचा क्यों ना जाते जाते आपको ये भी प्रैक्टिस करवा दूँ, ये भी आपको दिखा दूँ कि इस तरह के भी सवाल बनते हैं। ठीक है तो चलिए सेशन कंप्लीट, पजल सेटिंग अरेंजमेंट का ये मेरा फाइनल सेशन था, 32वां क्लर्क प्री का। परसों अब आपका एग्ज़ाम है, कल मैं आपके लिए
प्रैक्टिस सेशन नहीं लेकर आऊँगा, कल मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि रीजनिंग का सेक्शन आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए एग्ज़ाम के अंदर। अब तैयारी जितनी होनी थी होगी, आज आज आप तैयारी और करोगे, कल तो ज़्यादा तो रिविजन रिलैक्स ये करना ही ज़्यादा बेटर रहता है। परसों एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो कल जो मैं वीडियो डालूँ उसको ज़रूर देखिएगा, थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस तरह से करना चाहिए। और उससे आप खुद देखोगे, जब एग्ज़ाम देने जाओगे तब 1-2 मार्क्स का फ़र्क पड़ जाता है। और आप सभी को पता है यार, जितनी बार भी आप एग्ज़ाम देते हो, कभी 1 मार्क से रह जाते हो, कभी 1.5 से रह जाते हो, आधे से रह जाते हो, तो वो जो कमी रह जाती है वो आपकी वहाँ पर पूरी हो जाएगी अगर स्मार्ट तरीके से पेपर को अप्रोच करो तो। ठीक है, अब जाने से पहले फिर से रिक्वेस्ट है, अगर प्लेलिस्ट की वीडियोस देखना चाहते हो तो आपको अभी शो हो रहा होगा, 31 सेशंस ऑलरेडी इससे पहले मैं क्लर्क प्री के लिए डाल चुका हूँ, जो सिर्फ क्लर्क प्री में नहीं, आगे आने वाले जितने भी प्री बैंक के प्री एग्ज़ाम्स हैं उनमें बहुत काम आएगी। ठीक है, अब जो नए यूज़र्स हैं, ये चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, जो नए यूज़र्स हैं जिनको सेशंस पसंद आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिए यार जल्दी से चैनल। नहीं अच्छा लग रहा कोई बात नहीं, फिर तो मत कीजिए, पर अगर अच्छा लग रहा है, जैसे कि मुझे कमेंट से आप लोगों के पता चलता है कि आप अप्रिशिएट करते हैं काफ़ी वीडियो के, तो साथ साथ यार सब्सक्राइब भी करो और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करो, जिससे नया वीडियो जब भी हम आपके लिए लेकर आएँ तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए, नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट डे।